नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। डीआईजी एसएसपी मुनिराज जी अयोध्या के निर्देशन पर दिन बृहस्पतिवार को बेलसर चौराहा पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। सड़क सुरक्षा यातायात के नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, नशीले पदार्थ तथा तीन सवारी संदिग्ध व्यक्ति आदि की चेकिंग की गई। वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को कराया गया सुरक्षा का एहसास। हम आपको बताते चले कि दिन बृहस्पतिवार को NH-27 बेलसर चौराहा रुदौली मोड़ पर भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी रुदौली सत्येंद्र भूषण तिवारी, कोतवाली प्रभारी रुदौली देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षा के साथ साथ हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट लगाए फर्राटा भर रहे टू व्हीलर वाहन व फोर व्हीलर पर बिना सीट बेल्ट लगाकर चलने वाले वाहनों का किया गया चालान। दी गई सख्त हिदायत। एक तरफ अयोध्या पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर टू व्हीलर व फोर व्हीलर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है कि ड्राइविंग करते समय फोन पर बात ना करें, ड्राइविंग करते समय फोर व्हीलर पर सीट बेल्ट का प्रयोग करें, टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए जगह जगह पेट्रोल पंप पर बैनर भी लगाए गए हैं। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, फिर भी वाहन चालक ध्यान नहीं दे रहे हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए दिन बृहस्पतिवार को भेलसर चौराहा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी, कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक इसहाक खान, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र, कांस्टेबल अजीत सिंह सहित भारी तादाद पुलिस के जवान रहे उपस्थित। रुदौली से अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।